गाइस फाइनली आ चुके हैं एक और नई बीजीएमआई की वीडियो के साथ वापस। एंड गाइस आज मैं खेल रहा हूं अपने एक फ्रेंड के साथ में, जिसकी कि भाई मतलब बीजीएमआई में सब कुछ है, एक्सूट है, अपग्रेडेबल स्किन्स है, ये मान लो सब कुछ है। अब भाई यहां पर पता नहीं भाई क्या ही सीन होता है। क्या ऐसा ग्लिच आप लोगों के साथ में मतलब हुआ है कभी, कमेंट से बताना। अब मेरे का फ्रेंड की यहाँ पर जो है पेटी वगैरह पूरी रेडी हो जाती है बनकर, लेकिन भाई मैं यहाँ पर जैसे तैसे किनारे पर पहुंच जाता हूँ बचकर। एंड भाई यहाँ से मैं भागने पे सफल रहता हूँ। अब यहाँ पर भागने के बाद में यहाँ पर मैं लैंड होता हूँ पोचिंग की में। एंड गाइस आप लोगों से यार एक सजेशन चाहिए था कि आप लोग क्या चाहते हो, मतलब मैं ऐसे ही गेम प्लेस अपलोड करता रहूँ या फिर आप लोगों को कुछ और देखना है, तो एक बार यार प्लीज सजेस्ट करना। बाकी आप लोग इस गेम प्ले को एंजॉय करो। अब जैसे ही मैं यहाँ पर उतरा भाई यहाँ पर पहले से यूएस थी। एंड ऊपर एक बंदा था जिसके ही पास में मेरे ख्याल से अच्छी खासी गन्स हो सकती हैं। अब भाई इस बंदे का मैंने काफी वेट किया, लेकिन भाई उसके बाद में मेरे यहाँ पर सबर का बाण जो है टूट चुका था, तो मैं यहाँ पर इसको कैसे मतलब ट्रिक करके मारूंगा। अभी यार ऐसे छोटे मोटे यूट्यूबर तो हम लोग है नहीं। अब भाई मेरे पास में आप लोगों ने देखा होगा एमओ काफी ज्यादा कम बची थी। खैर भाई जैसे जैसे मैंने इसकी जो है पेटी बना दी उन 16 एमओ में। अब गाइस यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ना एक और यहाँ पर मेरे को फुटस्टेप आता है, बट ये एक्चुअली में एक बॉट होता है। अब गाइस यहाँ पर जो है आगे बढ़ने के बाद में इसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर इसका जो दूसरा टीममेट था वो हमारे पास में आ जाता है। अब भाई जैसे ये आता है मैं यहाँ पर नीचे चला जाता हूँ। एंड भाई इसके बाद में इसकी पेटी बननी तो तैयार थी, इसको मैं जो है इजीली खत्म कर देता हूँ। अब मेरे पास में क्योंकि यहाँ पर गाड़ी थी तो मैं अपने टीममेट को सोचता हूँ कि चलो यार ले आऊंगा अपने टीममेट को अपने साथ में बिठा लूंगा। एंड बाकी आप लोगों को पता ही है ये मेरा फ्रेंड है एंड काफी अच्छा फ्रेंड है बाकी। एंड आज ना ये हूँ एंड सिर्फ मतलब हूँ हाँ मैं बात करने वाला है, क्योंकि ये भाई सब कुछ खा रहे थे। अब यहाँ पर जैसे ही हम लोग आए भाई जैसे जैसे मैंने इस बंदे को नॉक किया एंड मैं फटाफट से कवर में आने वाला था कि भाई तभी यहाँ पर ये जो उसका दूसरा टीममेट है वो मेरे को यहाँ पर नॉक देता है। खैर भाई टीममेट की तरफ से काफी अच्छा कवर, यहाँ पर मैं जो है इजीली रिवाइव हो जाता हूँ। रिवाइव होने के बाद में सबसे पहले मेरी यहाँ पर ड्यूटी बनती है कि यहाँ पर एक स्मोक खरीदे, जिससे कि यहाँ पर एक अच्छा कवर बन जाए। अब यहाँ पर मेरी ड्यूटी थी कि भाई हील कर लूँ सबसे पहले, लेकिन भाई अब अपने टीममेट को भी कवर देना है तो आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। अब मेरे को यहाँ पर तलाश थी कि यार यहाँ पर एक मेरे को मेडिकेट बन जाए किसी भी तरीके से, लेकिन मेरे को नहीं पता था कि सामने यहाँ पर जो है बंदा है ही नहीं, उसने यहाँ पर स्मोक वगैरह कर दिया। अब जैसे मैं यहाँ पर आया तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये जो एनिमी है इसने यहाँ पर पहले से ही स्मोक कर दिया था, तो मेरे को यहाँ पर चांस मिल गया था इसकी लूट करने का। एंड भाई मैं सबसे पहले यहाँ पर जो है हेल्थ किट वगैरह उठा लेता हूँ, क्योंकि मेरे लिए हेल्थ किट उठानी सबसे ज्यादा जरूरी है। एंड भाई M4 मिल चुकी है तो M4 से भी अभी बंदे को पेलना स्टार्ट करना है। अब इसके बाद में गाइस यहाँ पर क्या होता है, मैं यहाँ पर आगे की साइड आता हूँ तो तभी मेरा टीममेट मेरे को बताता है जोनाथन की वॉइस पैक में कि यहाँ पर जो है बंदा है। अब भाई इस बंदे के पास में सब कुछ है यार, मेरा जो है दोस्त है ना, जो कि मतलब एक नॉर्मल प्लेयर मैं कहता हूँ बीजीएमआई और पबजी मोबाइल में अफोर्ड नहीं कर सकते ना, उसके पास भाई ये सारी चीजें हैं, मतलब आप लोग समझ गए होंगे, एक्सूट, मैकलरन एंड बहुत सारी सुपर कार्स वगैरह। अब यहाँ पर क्योंकि मेरे टीममेट ने कहा था कि यहाँ पर एक बंदा है, तो भाई यहाँ पर मैंने सबसे पहले ग्रेनेड की पिन खींची एंड सबसे पहले भाई कवर फायर दिया, लेकिन भाई यहाँ से जो है बंदा रफ चक्कर हो चुका था। अब क्योंकि भाई यहाँ से बंदा जो है भाग चुका था तो अभी इसकी जो है पेटी तो चमकानी थी। अब मेरे को यहाँ पर इंडिकेशन मिल गया कि भाई मैंने इसके बंदे को जो है नॉक फिनिश कर दिया था, तो इस वजह से यहाँ पर ये जो है रिकॉल टावर पे आ चुका है एंड मैंने यहाँ पर सही गेस किया। अब गाइस इसके बाद मैं जैसे यहाँ पर आगे आता हूँ अभी आप लोग बस देख रहे हैं, खैर भाई इस बंदे को फिनिश करने के बाद में जो कि मेरा टीममेट किल ले जाता है मेरा, अब इसको फिनिश करने के बाद में मैं सोचता हूँ कि चलो यहाँ पर और तो बंदा नहीं है, लेकिन भाई डेंजर है
तो मेरा टीममेट यहाँ पर जो है अलर्ट देता है कि यहाँ पर एक और बंदा है, यानी कि इसका दूसरा टीममेट है जिसके बारे में भूल चुका था। तो भाई सबसे पहले मैं एक ग्रेनेड की पिन खींचता हूँ एंड यहाँ पर सबसे पहले एक ग्रेनेड कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पर बंदा जो है होता नहीं है। अब क्योंकि मेरे को कोई फुटस्टेप नहीं आ रहा था तो मेरे को लगा कि भाई बंदा यहीं पर होगा। डेंजर अहेड। लेकिन भाई तभी यहाँ पर टीममेट जो है बोलता है कि बंदा इधर है। अब मैंने सोचा कि यार ये बंदा अचानक से पानी में कैसे चला गया। लेकिन भाई डेंजर अहेड, मेरे टीममेट ने मेरे को सही बताया था कि भाई बंदा एक्चुअली में यहाँ पर था। मतलब आप लोग देख सकते हो भाई, ये जोनाथन का वॉइस पैक भी है इसके साथ में। तो मतलब यार खेलने में ना कुछ अलग ही फीलिंग आती है कि यार मतलब कुछ ना हम अलग ही गेम खेल रहे हैं, क्योंकि यार एक्सूट ना मतलब बहुत सारे प्लेयर्स के पास में नहीं होता है, एंड अगर कोई एक्सूट वाला साथ में खेलता है ना तो मतलब काफी जो है अलग सी फीलिंग आती है यार। बाकी आप लोग देख सकते हो भाई यहाँ पर क्या होता है, बग्गी में भाग रहा है। यहाँ पर एक बंदा जो है बग्गी में भाग रहा था, जिसको कि यार मैं स्प्रे तो देता हूँ लेकिन वही स्प्रे में हक देता हूँ। एंड भाई मेरी यहाँ पर जो है रिलोडिंग भी लग जाती है। अब टीममेट के यहाँ पर जो है 5 की एमो चाहिए थी, तो यार टीममेट से भाई कोई भी शिकायत नहीं यार। अपने टीममेट्स की आप लोगों को हमेशा हेल्प करनी चाहिए, चाहे यार वो किसी भी मुसीबत में हो। अब मेरे पास में यहाँ पर आधी एमो थी तो मैंने जो है आधी एमो दे दी, तो देखो बॉट मारने में लगा हुआ एक सूट। भाई क्या ही करें यार, ब्लड रेवन है यार, मतलब बॉट मार रहा है यार। अब इसके बाद में गाइस यहाँ पर जो है सामने बंदा होता है, अब यहाँ पर मैं अपने यार मतलब थोड़ा चोक वगैरह कर देता हूँ क्लोज रेंज में। मैं थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो गया था उसको हेड मारने के लिए, लेकिन यार एक्चुअली में वो हेड लगता ही नहीं है, वो बंदा कुछ नीचे चला जाता है। तो यार रिच पे यार ऐसे मारने की आदत नहीं है। खैर बाकी जो है ग्राइंड वगैरह करेंगे तो मतलब हो ही जाएगा। तो जोनाथन बोल रहा है यार अभी, मेरे ख्याल से उसको बोलने देते हैं। तो मतलब भाई ये मान नहीं रहा यार, मतलब जोनाथन बिल्कुल भी। खैर गाइस इसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि मैं यहाँ पर आगे आ जाता हूँ अपना मतलब उसी बंदे के पास में है। तभी भाई मेरी टीममेट के पास में यहाँ पर एक बंदा आ जाता है, जिसको कि मेरा टीममेट आसानी से मतलब खत्म कर देता है। अब गाइस इसके बाद में क्या होता है कि भाई मेरे को यहाँ पर लूट करने के बाद में एक स्पेशल चीज दिखती है। अब वो क्या है, अब आप लोगों को अगर वो चीज सही से नहीं दिखी तो अभी मैं आप लोगों को आगे जाकर दिखाऊंगा। आइए भाई साक्षात लंबोर्गिनी मेरे सामने खड़ी है, मतलब जिस गाड़ी के लिए बंदे भाई एक बार इसकी साउंड सुनो यार, मतलब क्या ही जबरदस्त साउंड है। एक स्क्रीनशॉट तो बनता है, मतलब भाई जिस मतलब गाड़ी के लिए बंदे लाखों लाखों 2 लाख यूसी उड़ा चुके हैं कार्डिंग करके, उस यूसी को यार मतलब उस गाड़ी को हमने जो है गेम में अच्छे से मतलब ले लिया फ्री में, तो बिना कार्डिंग के भी यार ये जो है सही चीज है। खैर मजाक कर रहा हूँ। खैर इसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पर हमारी जो है गाड़ी में अच्छा फ्यूल मतलब नहीं था, हमारी गाड़ी थोड़ी डैमेज भी थी। तो भाई अभी ये देखो भाई, अब यहाँ पर जो है मेरे टीममेट के पास में कोनिग्सेग है, मैक्लेरन है, यानी कि भाई मैंने कहा ना सारी स्किन्स है। अब अगर आप लोग चाहते हो कि भाई मैं इसके साथ में और गेम्स खेलूं तो एक बार मेरे को कमेंट से बताना। अब गाइस जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ मेरे को पता चलता है कि यहाँ पर एक बंदा था रिच पे, एंड भाई इस हैवी ड्राइवर के लिए भाई एक लाइक तो मतलब बनना चाहिए। भाई मुझे नहीं पता यार वो जो लाइक वाला बटन है ना उसको एक बार बस दबा दो। एंड भाई आरपी गियो में बहुत जल्दी करूंगा अगर मैं इसके साथ खेल रहा हूं, तो आप लोगों को पता है। डेंजर है। तो मैं एक्सूट वाले से आप लोगों को जो है आरपी भी दिलवा सकता हूं, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स भी वही करते हैं प्रदीप गेमिंग वगैरह के साथ में, तो मैं भी यही करवाना चाहता हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ना रॉयल पास वगैरह नहीं ले पाते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, अपनी जो नंबर वाली आईडी है ना उसको एक बार आप लोग मतलब कमेंट कर देना, एंड शर्त ये रहेगी कि आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना पड़ेगा जिन लोगों के पास में आरपी नहीं है, एंड उन लोगों को भी आप लोगों को कमेंट करवाना पड़ेगा। मतलब यही प्रोसेस आप लोगों को करनी है, एंड बाकी आप लोग मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पर डीएम कर सकते हो एंड फर्दर क्वायरीज के लिए, एंड जल्दी मैं आप लोगों के लिए जो है रिजल्ट भी जल्दी लाऊंगा। खैर यहाँ पर सबसे पहले जो है सामने बंदर रहता है, अब
भाई यहाँ पर ये जो है बंदा सांप बनकर बैठा था, मतलब गलत ही सीन कर रखा था इस बंदे ने। तो मेरे टीममेट को कहता हूँ कि भाई फाइट नहीं लेते हैं, मेरे को नहीं मरना है क्योंकि मैं कर रहा हूँ गेम प्ले रिकॉर्ड। अगर भाई मैं मर गया तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। अब इसके बाद भाई मेरे टीममेट यहाँ पर क्या करता है, रैंडम मॉली फेंकता है। तो मेरे को लगता है ये रैंडम मॉली है, लेकिन भाई ट्विस्ट की बात यहाँ पर क्या होती है, भाई टीममेट को उसका किल मिल जाता है। मतलब समझ रहे हो यार, मतलब यहाँ पर मेरे मुंह पर यार मतलब कैसे एक्सप्रेशन होंगे जब इसको किल मिला होगा। खैर जो भी यार, मतलब ऐसी चीजें तो होती रहती हैं गेम में यार, मतलब चलता रहता है। खैर गाइस, इसके बाद में अपनी हम जो है कोनेक जग को निकाल लेते हैं। अब भाई आप लोग देख सकते हो कोनेक जग हमारे पास में फाइनली आ चुकी है। अब अपने दोस्त की बदौलत हो सकता है यार एक दिन मेरे को कोई भी ऐसी आईडी गिफ्ट कर दे कोई भी मेरा सब्सक्राइबर, ऐसा हो सकता है। बाकी यार वो सपने वाली चीज़ है, सपने नहीं देखने चाहिए जब तक सच नहीं होते हैं। खैर गाइस, इसके बाद में क्या होता है कि भाई यहाँ पर मैं टीममेट को बोलता हूँ कि यहाँ पर जो है कुछ बंदे हैं। एंड भाई मैं पहले ही अलर्ट कर देता हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पर जो है गाड़ियाँ वगैरह रेंडर हो गई थी। अब क्योंकि यहाँ पर बंदे थे तो मैं सबसे पहले यहाँ पर अपनी जो गाड़ी को है यहाँ पर लगा देता हूँ कवर में। एंड भाई जैसे मैं यहाँ पर ऊपर आता हूँ तो भाई अब मेरे को सबसे पहले यहाँ पर जो है हेलमेट वगैरह अपना बदलना पड़ेगा बिकॉज मैं जो है रिकॉल होकर आया था एंड मेरे पास में अच्छी खासी लूट वगैरह भी नहीं थी। अब यहाँ पर जैसे मैं आता हूँ तो मैं यहाँ पर जो है रैंडम एक मतलब टैप फायर देता हूँ जिससे कि मेरे को लगे कि यहाँ पर बंदा है, बट यहाँ पर बंदा था ही नहीं। अब इसके बाद में क्या होता है कि मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ कि चलो यार निकलते हैं, डेंजर अहेड। तो मेरे टीममेट यहाँ पर बोलता है कि यहाँ पर एक ना यूएस निकली है। अगर आप लोगों ने पीछे देखा हो ना ध्यान से तो एक यूएस निकली थी भाई, हैकर वगैरह मत बोलना ठीक है, पीछे यूएस निकली थी आप लोग एक बार देख लेना। अब इसके बाद में क्या होता है भाई, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था ना इस ड्राइवर के लिए एक लाइक एंड शेयर तो बनता है, तो भाई वही इस ड्राइवर ने करके दिखाया भाई, यहाँ पर हमारी गाड़ी पलट गई। अब इसकी हंसी भी देख रहे हो, मतलब काफी शातिर है भाई ये बंदा। अब इसके बाद में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर जो है आ जाते हैं अपनी दूसरी गाड़ी को लेने जिसमें कि भाई फ्यूल वगैरह होगा मेरे ख्याल से। तो भाई एक होप बनाकर मैं यहाँ पर स्मोक करता हूँ फटाफट से जिससे कि मेरे को यहाँ पर जो है एक गाड़ी मिल जाए एंड भाई हम लोग जो है यहाँ पर जोन के लिए रवाना हो जाए। लेकिन भाई हमारी किस्मत इतनी खराब थी भाई, इसमें भी फ्यूल नहीं था। लोकेशन मार्क। अब जैसे जैसे हम जो है यहाँ पर थोड़ा सा तो आगे आ जाते हैं, लेकिन भाई थोड़ा सा आगे आ जाने के बाद में यहाँ पर मैं फटाफट से स्मोक करता हूँ एंड लगातार मैं यहाँ पर जो है दो स्मोक कर देता हूँ जिससे कि यहाँ पर एक स्मोक वॉल बनी रहेगी एंड सामने वाले बंदे भी मतलब हमारे ऊपर ज्यादातर स्प्रे ना दे पाए। लेकिन भाई यहाँ पर क्या चोक होता है, डेंजर अहेड। अब सबसे पहले यहाँ पर एक चीज हो चुकी है, वो है कि भाई यहाँ पर जो है गाड़ी से स्प्रे मैंने सही नहीं दिया और मेरा टीममेट यहाँ पर नॉक हो चुका है। अब भाई मेरे पास कोई भी स्मोक नहीं है तो भाई मैं यहाँ पर कैसे सरवाइव करूं। डेंजर अहेड, डेंजर अहेड। खैर कोई बात नहीं गाइज, अपन जो है यहाँ पर मतलब #10 तो आ ही गए थे। बाकी गाइज ये था आज का गेम प्ले। अगर आप लोगों को भाई ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर से कर देना एंड जो कि मैंने आप लोगों को आरपी गिव अवे के बारे में बताया है, अब आप लोगों को पता यार देखो एक्सूट वाला खेल रहा है तो गिव अवे तो जरूर से करने ही वाला है क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि भाई सारी स्किन्स है तो कोई भी झूठ तो मेरे ख्याल से नहीं होने वाला। बाकी यार जिन लोगों को भी लगता है आप लोग एक बार अपनी कमेंट कर देना आईडी नंबर वाली एंड आप लोग जो भी नाइस वीडियो या फिर कुछ भी आप लोग लिख सकते हो, कोई भी स्पैम कमेंट मत करना ठीक है, अपने दोस्तों से भी आप लोग कमेंट करवाना एंड हो सकता है आप लोगों की जो एंट्री है वो ज्यादातर बढ़ जाए क्योंकि अगर आप अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करोगे तो मेरे को पता चल जाएगा कि आप लोगों ने अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करा है एंड एक तरीके से मैं जो है आप लोग की एंट्री ले लूंगा। बाकी गाइस यही थी आज की वीडियो, अगर आप लोगों के और गेम प्ले वीडियो चाहिए इस एक्सूट वाले बंदे के साथ में जो कि मेरा फ्रेंड है एंड तब तक के लिए गाइस मिलते हैं आप लोगों से न्यू वीडियो के साथ में, एक कमेंट जरूर कर देना। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, थैंक्स वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।